हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर सैटर्न लिब्रा एसेंडेंट के फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो क्या इफेक्ट्स देगा या क्या रिजल्ट देगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा जी कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे वीडियोस आगे भी मैं देता रहूँगा तो उनको आप देख पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं, क्या बोलते हैं, सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हो और लिब्रा एसेंडेंट का हो तो क्या रिजल्ट देगा। लिब्रा एसेंडेंट आर रूल्ड बाय वीनस, वीनस से ये रूल्ड करते हैं और वीनस इसका क्या बोलते हैं एसेंडेंट लॉर्ड है, और वीनस एंड सैटर्न आर गुड फ्रेंड्स, उनका रिलेशनशिप अच्छा है, वीनस इज़ वेरी फ्रेंडली विद सैटर्न। सो यहाँ पे ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। साइमल्टेनियसली सैटर्न सेवेंथ हाउस में पहुँचते एग्जल्टेड हो जाता है, मतलब ऊंच का हो जाता है, उसकी पावर एक्सट्रीम पे आ जाती है और ये अच्छा बेनिफिट्स देता है अगर सेवेंथ हाउस में सैटर्न बैठा हो तो। और यहाँ पे लगन में ही बैठा है तो आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स ट्रेड्स देगा सैटर्न। यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न आपको थर्ड हाउस को देखेगा, सेवेंथ हाउस को देखेगा और टेंथ हाउस को देखेगा, और खुद के हाउसेस का ये ओनर कौन होके फर्स्ट हाउस में बैठेगा, तो फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस का ओनर होके ये फर्स्ट हाउस में जाके बैठेगा। तो फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस के जितने भी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये आप देखेंगे तो फोर्थ हाउस इज़ अ केंद्र का हाउस एंड फिफ्थ हाउस इज़ अ त्रिकोण का हाउस, एंड इफ़ इलेवेंथ अगर फिफ्थ हाउस का ओनर और फोर्थ हाउस का ओनर, मतलब केंद्र और त्रिकोण का ओनर अगर फर्स्ट हाउस में जाके बैठ रहा है, या एक ही प्लैनेट के अगर केंद्र और त्रिकोण का अगर ओनर है, तो वो उस राशि में योग कारक प्लैनेट हो जाता है। तो सैटर्न आपकी राशि में एक योग कारक प्लैनेट है और वो लग्न में जाके बैठा है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, और लग्नेश भी आपका फ्रेंडली है आपके साथ, आपके कॉपरेशन में अगर वीनस अच्छे सिचुएशन में है तो ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो आपके लिए बहुत फेवरेबल पॉइंट है अगर सैटर्न आपके लगन में बैठा है तो। तो सैटर्न यहाँ पे बैठे हुए आपको क्या करेगा, सबसे पहले तो आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी करेगा, एजुकेशन आप बहुत अच्छा करेंगे, आप लॉ से रिलेटेड या कोई भी अच्छा कुछ भी करना चाहेंगे तो आप अच्छा एजुकेशन ले पाएंगे, लॉ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। अगर सैटर्न की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है और फ्रेंडली प्लैनेट के साथ चल रही है, तो आप सोचें कुछ भी, मेरे हिसाब से आप लॉ में ही घुसेंगे और आप बहुत अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं। साइमल्टेनियसली यहाँ पे फोर्थ हाउस का ओनर है, तो फोर्थ हाउस का ओनर होने के बाद मदर के साथ रिलेशनशिप आपका अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको प्रॉपर्टीज़ एंड कन्वीनियंस की काफ़ी फ़ायदे देगा सैटर्न, थोड़ा डिले करके देगा लेकिन फ़ायदा ज़रूर देगा, आपको कन्वीनियंस बहुत मिलेगा, आप प्रॉपर्टी गाड़ी घर पैसा जो चाहे वो बना सकते हैं, थोड़ा डिले होगा लेकिन आपको मिलेगा, विरासत में भी मिल सकता है आपको, आपके मदर साइड से आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब बात ये आती है जी कि फिफ्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस को अगर हम देखें तो फिफ्थ हाउस में एक और चीज़ का इंक्लूड होती है जो कि है, अगर आप अपने आपके बच्चे का जो रिलेशनशिप है आपके साथ कैसा रहेगा, वो अच्छा रहेगा और आपके जो बच्चे हेल्दी होंगे सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि बच्चे का जो लॉर्ड है वो सेंटर में जाके आपके एसेंडेंट में बैठा है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर आपका सक्सेस और बढ़ेगा जब आपके लाइफ में आपका कोई बच्चा आता है तो बच्चे होने के बाद आपका सक्सेस और अच्छा होगा और यील्डिंग होगा, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा योग कारक प्लैनेट। अब इसमें कुछ नेगेटिविटी रहेगी, सबसे पहली नेगेटिविटी ये रहेगी जी कि ये सीधा फर्स्ट हाउस को देख रहा है, पहले तो यहाँ मार्स है, सैटर्न और मार्स का बनता नहीं है, तो आपकी वाइफ के साथ आपका कम्युनिकेशन गैप या प्रॉब्लम्स रहेंगे। साइमल्टेनियसली क्या है जी कि वो बहुत एग्रेसिव होंगे जो पार्टनर होंगे, और जो आप होंगे आप काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस और थोड़ा सा क्या बोलते ऐशो आराम में जिंदगी जीने का आप पसंद करें, कौन नहीं करता, हर कोई करता है, और सैटर्न उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन डालेगा और इस वजह से आप एक अच्छे तरीके से जीने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने
एक सोच समझ के आप जिएंगे। लेकिन यहाँ पे मार्स के साथ आपका थोड़ा सा मेंटल डिस्टेंस रहेगा इसलिए, और दूसरा ये पॉइंट रहेगा जी कि आप शायद लव मैरिज करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, अरेंज मैरिज आपका होना शायद ही पॉसिबल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी मार्स को देख के होगा। साइमल्टेनियसली क्या है कि आप हो सकता है जी कि आप लव मैरिज करें और वो आपका रिलेशनशिप आउट ऑफ कास्ट या कुछ और हो सकता है। साइमल्टेनियसली अगर देखें तो ये थर्ड हाउस को देख रहा है अपनी तीसरी दृष्टि से, तो छोटे भाई बहन के साथ आपका रिलेशनशिप खास अच्छा नहीं रहेगा। कंपिटिटिव एग्जाम्स में अगर जुपिटर अच्छा है तो आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज कंपिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। साइमल्टेनियसली आप अगर देखें तो टेंथ हाउस में एक्सपेक्ट कर रहा है अपना जहाँ पे मून लिखा है, तो जॉब से रिलेटेड भी सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, फादर के साथ भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। फादर विल बी अ शॉर्ट स्पोकन पर्सन बट आपके साथ उनका रिलेशनशिप उनको साथ आपका नहीं मैच करेगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को थोड़ा आप रेमेडीज़ करेंगे सैटर्न का तो अच्छा रहेगा, बिकॉज इज यहाँ पे एग्जल्टेड है, ऊंच का है, तो आपको फ़ायदा ज़रूर प्रोवाइड करेगा, उसका बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, आप पैसे वाले बहुत होंगे, आपका लक बहुत अच्छा काम करेगा। और आपको नौकरी अगर आप करेंगे तो ज़रूर आप एजुकेशन लाइन में अगर नौकरी कर ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकते हैं, आपको बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड होगी, आप सक्सेसफुल अपनी गवर्नमेंट जॉब में कर सकते हैं, एडवोकेसी, गवर्नमेंट जॉब और कुछ भी काम, अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड काम भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, तो कुछ भी काम करना चाहे तो इन सब फील्ड में अगर आप करेंगे तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ये मेरा एनालिसिस रहा जी कि अगर लिब्रा एसेंडेंट में सैटर्न अगर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा। थैंक यू।